नमस्कार, अलीराजपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं आकाश उपाध्याय इस वक्त मौजूद हूँ जोबट के एक दुकान पे, जहाँ पर ऑक्सीजन को लेकर लगातार जो आवश्यकता पड़ रही थी उसके लिए एक यहाँ स्थानीय मुस्लिम समाज से रफीक भाई लोहार ने एक पहल चालू की है और पिछले 20 दिन से लगातार लोगों की सेवा में निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं। हम बात करेंगे रफीक भाई से। रफीक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है रफीक भाई। एक सिलेंडर की क्या कॉस्ट बैठती है आपको? लगभग हमें एक सिलेंडर की कास्ट 700 से 800 रुपये बैठती है भराने के लिए, उसमें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब आ जाता है। अभी तक आपने कितने दिन से आप ये सेवाएं दे रहे हैं और कितने सिलेंडर आप दे चुके हैं? हम करीब 15 तारीख से अपनी सुविधा दे रहे हैं, 15/4 से दे रहे हैं, और लगभग 30 से 35 सिलेंडर हम अभी तक दे चुके हैं लोगों को। अच्छा रफीक जी, इस पूरे सिलेंडर को भराई से लेके परिवहन से लेके आपको कितना खर्च आपको लगता है? कि करीब 700 से 800 रुपये हमको भराई और परिवहन खर्चा इसका लगता है एक सिलेंडर का। और इसको लेकर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी अभी तक आई है इसको भराने को लेकर या कोई चीज़ को लेकर? नहीं, जैसे शुरू में जब भी ये बीमारी चालू हुई थी उस टाइम हमारे पास करीब 10 से 12 सिलेंडर भरे हुए रखे हुए थे, तो अब हमें ऐसा लगा कि यार मरीजों को ज़रूरत है सिलेंडर की और अपने पास उपलब्ध है, तो हमारे पास जो मौजूद थे वो हमने सभी मरीज जो भी आए उनको हमने निःशुल्क दिया। उसके बाद बीच में बहुत शॉर्टेज हो गया था तो हम करीब 8-10 दिन सिलेंडर नहीं बुला पाए और कहीं से अरेंज भी नहीं हुए हमारे पास। 8-10 दिन बाद फिर वापस सुविधा चालू हुई तो तब हमें वापस सिलेंडर मिलना चालू हुआ, तो फिर हमने नगर में जो भी मरीज थे उनको सबको सुविधा उपलब्ध कराई ऑक्सीजन सिलेंडर की। अच्छा रफीक जी, एक महत्वपूर्ण मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर अभी तक आपने कहाँ कहाँ किन किन लोगों को किस जगहों पर आपने पहुँचाया? जोबट के अलावा हमने कुक्सी में भी दिए हैं, बड़वानी में भी दिए हैं, जो बहुत से जोबट के रिलेशन वाले बड़वानी में एडमिट थे उनको हमने सुविधा उपलब्ध कराई, अलीराजपुर में भी दिए हैं, और हमारे आसपास के इंट्रियल के बहुत से आदिवासी भाई हमारे वो भी कहीं ना कहीं एडमिट थे या कहीं पे सोनोग्राफी के लिए उनको जाना था, कहीं पे एक्सरे वगैरह के लिए जाना था और ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पाया उनको, तो उनके भी हमने उपलब्ध कराया है। ये ऑक्सीजन सिलेंडर आप कहाँ से भरवा के लाते हैं और कितने समय में ये एक सिलेंडर भर के आ जाता है? ये हम यहाँ से कुक्सी भेजते हैं और कुक्सी से ये पीथमपुर जाता है, तो आज हमको जैसे गाड़ी भेजना पड़ती है तो फिर दूसरे दिन भर के आते हैं, फिर हमको वापस रिटर्न गाड़ी भेजना पड़ती है लाने के लिए। रफीक जी, एक बात और मालूम पड़ी है कि मेघनगर से ये सिलेंडर आपको और जल्दी और अच्छे कम समय में आपको उपलब्ध हो सकते हैं, उसको लेके आपको क्या समस्या आ रही है? मेघनगर में प्लांट है इसका और हमने कोशिश भी की थी, वहाँ पे प्लांट वालों से भी बात हुई थी, दाहोद में भी प्लांट है वहाँ भी बात हुई थी, मगर उन्होंने मना कर दिया। फिर हमने जोबट SDM साहब से चर्चा की, उनसे एक निवेदन किया कि साहब हमें ऐसा एक लेटर आप बना दो ताकि हम वहाँ जाके और सिलेंडर भर के ला सके और निःशुल्क हम गाँव में सप्लाई कर सके। तो श्रीमान SDM साहब ने हमें एक लेटर भी लिख के दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी सुविधा से दाहोद या मेघनगर कहीं पर भी सिलेंडर भरवा लो। वो सिलेंडर हमने जब व्हाट्सअप किया उन प्लांट वालों को तो उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि कलेक्टर साहब के आदेश नहीं है और हम नहीं भर पाएंगे। रफीक जी, अभी हम आपके पीछे देख रहे हैं ये जो सिलेंडर है, ये सिलेंडर में कुछ आपने इसमें अपने हिसाब से कुछ इसमें लगाया हुआ है, क्या इसमें आपने इन्वेंट किया है या क्या चीज़ है, या आप थोड़ी सी जानकारी? ये अभी बहुत सारी शिकायत आ रही थी कि सिलेंडर तो हम उपलब्ध करा देते थे उनको, मगर इसमें जो सिस्टम लगता है जिसमें नली वगैरह लगती है जो सांस लेने के लिए, इसमें जो मीटर वगैरह लगता था, एक वाल लगता था, वो मार्केट में कहीं मिल नहीं रहा, और उसकी यूँ भी 6,000 के लगभग कास्ट आती है, मगर इतना पैसा वहन करने के बाद भी नहीं मिल रहा। तो फिर हमने देखा कि यार अब इसे एक जुगाड़ बनाई जाए कि जिससे मरीज को ये सिस्टम नहीं लाना पड़े और सिलेंडर के साथ हम उसको ये उपलब्ध करा सकें। ये थे हमारे साथ में रफीक भाई लोहार, जो निःशुल्क सेवाओं के रूप में ऑक्सीजन सिलेंडर दे रहे हैं। अभी तक ये 30 सिलेंडर लोगों को दे चुके हैं, इंदौर, बड़वानी, कुक्सी, नानपुर, इन इलाकों में इन्होंने सिलेंडर दिए हैं। और आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि पिछली कोरोना लहर में भी इनके द्वारा एक सैनिटाइजर मशीन जिसकी लागत लगभग 10,000 रुपये थी, इन्होंने निःशुल्क सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोबट में दी थी। महत्वपूर्ण खबरों के लिए बने रही हमारे साथ अलीराजपुर लाइव जोबट।